अस्सलामु अलैकुम बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सब बच्चों को कहानियाँ सुनने और पढ़ने का बहुत शौक होता है, मगर आज हम कहानी लिखेंगे। कौन सी कहानी लिखेंगे? जी हाँ, आज हम तस्वीरी कहानी लिखेंगे, जिसमें आप सबको तस्वीर को देखकर गौर करना होगा और जानना होगा कि कौन क्या कर रहा है और इसमें कितने किरदार हैं। अब आप सब अपनी वर्कबुक का सफा नंबर 34, वर्कशीट नंबर 24 खोलें। आइए इसका सवाल पढ़ते हैं। हर इबारत के जुमलों को बगौर पढ़ें और तस्वीरों की मदद से इनको नंबरवार दुरुस्त तरतीब दें। आगाज दर्ज है। कहानी का शुरू वाला हिस्सा लिख दिया गया है, आपने गौर से सुनना है और जानना है ये कहानी किसके बारे में है। ठीक है। अली ने डब्बू नाम का एक कुत्ता पाला हुआ था। समझ आ गया लड़के का नाम क्या था? अली। और उसके कुत्ते का नाम क्या था? डब्बू। ठीक है। अली ने डब्बू नाम का एक कुत्ता पाला हुआ था। डब्बू उसकी हर बात मानता था। अली उसे रोजाना तरह तरह के खेल सिखाता था। एक दिन, आप देखिए ये पहली तस्वीर के मुतालिक है, एक दिन अली उसे अपने घर के लॉन में ले गया और उसके साथ खेलने लगा। क्या करने लगा? खेलने लगा। किस चीज के साथ? गेंद के साथ। देखिए अली के हाथ में क्या है? गेंद। और उसके सामने कौन खड़ा है? उसका पालतू कुत्ता। आप देखिए, खेलने के लिए अली ने क्या किया, सोचें और तस्वीर को देखकर बताएं कि नंबर 2 पर कौन सी तस्वीर होगी। शाबाश, सही पहचाना। ये देखिए, इस तस्वीर में अली खेल रहा है। वो क्या कर रहा है? गेंद को दूर फेंक रहा है और इसको ऐसा करते हुए डब्बू गौर से देख रहा है। समझ आ गई आप सबको? शाबाश। अब देखिए, ये नंबर 2 है इबारत। इस पर आप क्या लिखेंगे इस इबारत के पीछे? नंबर 2। मैं पढ़ती हूँ, गौर से सुनिएगा। अली ने हाथ में पकड़ा गेंद दूर फेंका। डब्बू उसे ये करते हुए देख रहा था। समझ आ गई आप सबको? अब जाहिरी सी बात है, अली ने गेंद को दूर फेंक दिया और डब्बू उसे ये करते हुए देख रहा है। उसके बाद डब्बू ने क्या किया होगा, सोचे कौन सी तस्वीर अगली होगी। शाबाश, सही पहचाना। ये है नंबर 3, जिसमें जो डब्बू है वो गेंद के पीछे भाग रहा है उसको पकड़ने के लिए। इस इबारत के पीछे लिखेंगे नंबर 3। क्या लिखेंगे? नंबर 3। अब मैं ये इबारत पढ़ती हूँ, आपने सुननी है गौर से और साथ पढ़ना भी है। वो फौरन उस गेंद के साथ भागने लगा ताकि उसे जमीन पर गिरने से पहले पकड़ ले। समझ आ गई आप सबको? किस चीज पर गिरने से पहले पकड़ ले? जमीन पर। उसके लिए उसने क्या किया होगा? देखिए अगली तस्वीर कौन सी होगी। शाबाश, आपने सही जाना। ये है नंबर 4। देखा इसने क्या करा डब्बू, कि वो गेंद को हवा में उछल कर पकड़ रहा है। ये क्या है? नंबर 4। देखिए इसकी इबारत को पढ़ते हैं। डब्बू अपनी कोशिश में कामयाब रहा। थोड़ी देर दौड़ने के बाद उसने गेंद पकड़ ही लिया। इनके आखिरकार उसने भाग कर उसको पकड़ लिया। किस में उछल कर? हवा में उछल कर उसने पकड़ लिया। अब उसके बाद उसने क्या किया होगा? देखिए गौर से, कौन से नंबर 5 पर तस्वीर होगी। शाबाश, सही पहचाना। ये नंबर 5 है। इसमें डब्बू क्या कर रहा है? गेंद लेकर
कहाँ जा रहा है, कहीं लेके जा रहा है, किसके पास लेके जा रहा होगा गेम को? जाहिर सी बात है अली के पास लेकर जा रहा होगा। ये है नंबर पांच, इस इबारत के पीछे लिखे नंबर पांच। जैसे ही उसने गेंद को मुंह में पकड़ा, वापस मुड़कर अली की तरफ चलने लगा। किसकी तरफ चलने लगा? अली की तरफ, क्योंकि वो अली के साथ खेल रहा था। समझ आ गई आप सबको? अब हम देखते हैं कि एक ही इबारत रह गई है, वो यकीनन इस कहानी का इख्तिताम होगा। जी बिल्कुल सही, ये है नंबर छह। देखें इसमें डब्बू क्या कर रहा है, गेंद किसको दे रहा है? अली को दे रहा है। और अली क्या कर रहा है? उसके सर पर प्यार से हाथ फेर रहा है, यानी कि उसको प्यार कर रहा है। यहां लिखें जी नंबर छह। उसने आकर गेंद अली के हाथ में रख दिया। अली ने उसकी कामयाबी पर उसे प्यार किया। क्या किया? प्यार किया। कामयाबी कैसे हुई? इनके उसने गेंद को हवा में ही पकड़ लिया। अब इस सारी कहानी को मैं आपको एक साथ सुनाती हूँ, आपने गौर से सुननी है कहानी, और उसके बाद क्या करना है वो मैं बाद में बताती हूँ। कहानी सुनिएगा एक साथ। अली ने डब्बू नाम का एक कुत्ता पाला हुआ था। डब्बू उसकी हर बात मानता था। अली उसे रोजाना तरह तरह के खेल सिखाता था। एक दिन अली उसे अपने घर के लॉन में ले गया और उसके साथ खेलने लगा। अली ने हाथ में पकड़ा गेंद दूर फेंका। डब्बू उसे ये करते हुए देख रहा था। वो फौरन उस गेंद के साथ भागने लगा ताकि उसे जमीन पर गिरने से पहले पकड़ ले। डब्बू अपनी कोशिश में कामयाब रहा। थोड़ी देर दौड़ने के बाद उसने गेंद पकड़ ही लिया। जैसे ही उसने गेंद को मुंह में पकड़ा, वापस मुड़कर अली की तरफ चलने लगा। उसने आकर गेंद अली के हाथ में रख दिया। अली ने उसकी कामयाबी पर उसे प्यार किया। तो बच्चों, अब आप सबने इस कहानी को अगले सफे पर लिखना है। अगले सफे पर क्या सवाल लिखा हुआ है? अब इन इबारतों को दुरुस्त तरतीब से कहानी की सूरत और खुशखत लिखें। मतलब ये कि आपने सारी इबारतों को कहानी की तरह मिलाकर लिखना है, लेकिन उसमें नंबर नहीं लिखने, यानी कि नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, नंबर चार, नंबर पांच नहीं लिखना, बल्कि पहली इबारत जहां खत्म होगी उसके आगे से ही दूसरी इबारत को लिखना शुरू कर देना है। इसी तरह तीसरी, इनके पहली इबारत खत्मा की इलामत लगाकर दूसरी इबारत उसके आगे से ही शुरू करनी है। अब आपने कैसे लिखनी है और किस लिखाई में लिखनी है, मैं आपको नमूना दिखाती हूँ, और उम्मीद है कि आप इसी तरह कहानी को खूबसूरत अंदाज में लिखेंगे और साफ लिखाई में भी लिखेंगे। शुक्रिया।